नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से बीएससी सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री की क्लासेज में। देखो, हम बात कर रहे थे स्पेक्ट्रोस्कोपी की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की। तो इसी क्रम में हमारा जो आज का टॉपिक है वो है इफ़ेक्ट ऑफ कॉन्जुगेशन। क्या? इफ़ेक्ट ऑफ कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन यानी कि संयुग्मन का प्रभाव। क्या? संयुग्मन का प्रभाव। अच्छा, आपको संयुग्मन पता है क्या होता है, कॉन्जुगेशन क्या होता है? जैसे तो हमने ट्वेल्थ में पढ़ा है और इलेवेंथ में भी आपने पढ़ा था, लेकिन अब बताइए क्या होता है। देखो, आप तो सीधा सिंपल सा याद रख लीजिए, जब हमारे पास डबल बॉन्ड की संख्या बढ़ती जाती है, जैसे हमारे पास कार्बन कार्बन है, इसके बाद डबल बॉन्ड आ गया, फिर एक कार्बन छोड़ के फिर डबल बॉन्ड आ गया, फिर एक कार्बन छोड़ के फिर डबल बॉन्ड आ गया, तो इस तरीके से हमारे पास हो क्या रहा है, डबल बॉन्डों की संख्या बढ़ती जाती है और इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण एक परमाणु से दूसरे परमाणु पर आसानी से हो सकता है, तो इसको ही हम संयुग्मन प्रभाव बोलते हैं। ठीक है, चलो वो बात अलग है, आपने पढ़ रखा होगा, लेकिन अब इस संयुग्मन का स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या प्रभाव पड़ता है, किस तरीके से ये काम करता है, उसके बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है, तो देखो, हमने जब स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में पढ़ा था तो आपको पता है कि स्पेक्ट्रोस्कोपी में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण निम्न ऊर्जा वाले कक्षकों से उच्च ऊर्जा वाले कक्षकों में होता है। ठीक है, स्पेक्ट्रोस्कोपी है, वहां पे इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण कहां होता है, निम्न ऊर्जा वाले कक्षकों से उच्च ऊर्जा वाले कक्षकों में होता है। मैंने आपको कल भी बताया था, यहां पे कोई ऑर्बिटल है और यहां कोई ऑर्बिटल है, तो यहां से यहां इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। ठीक है, अब देखो, जब भी हम कॉन्जुगेशन की बात कर रहे हैं, संयुग्मन की बात कर रहे हैं, तो आपके दिमाग में पाई इलेक्ट्रॉन आ जाने चाहिए। क्या आ जाना चाहिए बच्चों? पाई इलेक्ट्रॉन आ जाने चाहिए, क्योंकि संयुग्मन जो है पाई इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड है। ठीक है, तो पहली बात तो आपको पता ही लग गया, स्पेक्ट्रोस्कोपी में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण निम्न ऊर्जा वाले कक्षकों से उच्च ऊर्जा वाले कक्षकों में होता है। अब देखो, जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमारे पास एथिलीन है या एथीन है, एथीन में एक पाई बंद होता है। ठीक है, एथीन में एक पाई बॉन्डिंग होती है। ठीक है, तो एथीन में एक पाई बॉन्डिंग होती है, इसमें दो कक्षक होते हैं। देखो, अगर एक पाई बॉन्डिंग है तो इसके दो कक्षक हो सकते हैं, अतः इसमें दो कक्षक होते हैं, दो कक्षक होते हैं, एक तो पाई और एक पाई स्टार। ठीक है, एथिलीन में एक पाई बंद होता है तो इसमें दो कक्षक होंगे, एक तो पाई होगा हमारे पास और एक पाई स्टार कक्षक होगा। ठीक है, दो आण्विक कक्षक बनेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अनुसार दो आण्विक कक्षक बनेंगे, पाई वाले, एक तो पाई और एक पाई स्टार। ठीक है, अब देखो, यदि इसका संयुग्मन कर दिया जाए, यदि इसके संयुग्मन में एक और द्विबंध बढ़ा दिया जाए
द्विबंध बढ़ाने का मतलब है इस तरीके से CH2 CH फिर CH डबल बॉन्ड CH2 इस तरीके से, है ना, एक डबल बॉन्ड और बढ़ गया, हमने श्रृंखला को क्या कर दिया, आगे बढ़ा दिया। तो अब जब अगर हम एक और द्विबंध बढ़ा दिया जाए तो होता क्या है, तो चार आण्विक कक्षक बनते हैं, क्या बनते हैं, चार आण्विक कक्षक बनते हैं। ठीक है, यदि इसके संयुग्मन में एक और डबल बॉन्ड बढ़ा दिया जाए तो चार आण्विक कक्षक बनेंगे। कौन कौन से बनेंगे, अब मैं आपको यहां दिखा देता हूं साइड में, फिर बनेंगे हमारे पास, हम इसको नाम दे सकते हैं पाई, पाई टू, पाई थ्री, पाई फोर, चार बनेंगे। तो चार में से दो तो क्या होंगे, बॉन्डिंग वाले होंगे, और दो हमारे पास स्टार वाले होंगे, एंटी बॉन्डिंग। आपने एमओटी पढ़ी होगी ना, एमओटी में क्या बताया गया था, जितने भी हमारे पास आण्विक कक्षक बनेंगे उनमें से आधे तो बंधी आण्विक कक्षक होंगे और आधे हमारे पास विपरीत बंधी आण्विक कक्षक होंगे। तो चार आण्विक कक्षक बनेंगे। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में इलेक्ट्रॉनों का संक्रमण पाई टू से पाई थ्री में भी हो सकता है। कहां से कहां हो सकता है, पाई टू से पाई थ्री में भी हो सकता है। ठीक है, अब देखो पाई टू और पाई थ्री में कितना अंतर है, इतना सा आपको दिख रहा है, और पाई स्टार में कितना था, इतना। यानी कि हमारे पास जब पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ी, यानी कि हमारे पास पाई बॉन्ड बढ़ा, तो क्या हुआ कि कक्षकों की ऊर्जा में क्या आ गया, अंतर आ गया, है ना। पहले तो नीचे से ऊपर तक जाना पड़ रहा था, अब सिर्फ यहां से यहां जाना पड़ रहा है। ठीक है, तो अगर हमारे पास पाई बॉन्ड बढ़ेंगे, है ना, पाई बॉन्डों की संख्या बढ़ेगी तो कक्षकों की ऊर्जा में क्या आ जाएगा, अंतर आ जाएगा। ठीक है, कक्षकों की ऊर्जा में अंतर आ जाएगा, आप खुद देख सकते हो, आप खुद देख सकते हो, पहले यहां से यहां जाना पड़ रहा था, फिर यहां से यहां जाना पड़ रहा है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं, ऐसी स्थिति में इलेक्ट्रॉनों का संक्रमण पाई टू से पाई थ्री में होगा। ठीक है, पाई टू से पाई थ्री में होगा। इन दोनों कक्षकों की ऊर्जा में अंतर एथिलीन के पाई स्टार कक्षकों की तुलना में कम होता है। ठीक है, तो यहां पे क्या है, ऊर्जा का अंतर ज्यादा था, यहां पे ऊर्जा का अंतर कम होता गया। आपको सिर्फ एक बात याद रखनी है, अगर आपके पास पाई बॉन्डों की संख्या बढ़ रही है, पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रही है, तो कक्षकों की जो ऊर्जा में अंतर है वो कम होता जाएगा। क्या होता जाएगा, कक्षकों की ऊर्जा में अंतर क्या है, कम होता जाएगा। आपको ये बात याद रखनी है, आपको और कुछ याद नहीं रखना है। ठीक है, ऊर्जा कम होगी यानी कि तरंग दैर्ध्य क्या होगा और भी ज्यादा उच्च होगा, अतः अवशोषण उच्च तरंग दैर्ध्य पर संपन्न होता है। ठीक है, तो आपको अगर टॉपिक पूछ लिया जाए कि संयुग्मन का क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो आपको तो एक बात ध्यान रखनी है, क्या बात ध्यान रखनी है, कि अगर पाई बॉन्ड है उनकी संख्या बढ़ा दी जाए, है ना, पाई बॉन्ड की संख्या बढ़ा दी जाए, द्विबंधों की संख्या बढ़ा दी जाए, तो कक्षकों की संख्या भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है।
और कक्षकों की ऊर्जा में अंतर क्या होता है, कम हो जाता है, कक्षकों की ऊर्जा में अंतर कम हो जाता है, ठीक है, कक्षकों की ऊर्जा में अंतर बिल्कुल कम हो जाता है और तरंग दैर्ध्य बढ़ जाती है, ठीक है। अगर संयुग्मन हो, अगर किसी अणु में संयुग्मन हो तो क्या होता है, कक्षकों की ऊर्जा में अंतर कम आ जाता है, ठीक है। और अवशोषण क्या है, एब्जॉर्प्शन हायर वेवलेंथ पे होता है, उच्च तरंग दैर्ध्य पर संपन्न होता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर क्या हो, हमारे पास पाई बॉन्डों की संख्या और बढ़ा दी जाए, हमारे पास क्या हो, पाई बॉन्ड की संख्या और बढ़ा दी जाए, पाई बंध की संख्या और बढ़ा दी जाए, ठीक है, तो जो अवशोषण है और भी ज्यादा उच्च तरंग दैर्ध्य पर संपन्न होगा, ठीक है। अगर हम और बढ़ा दिया जाए, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये CH2 है, CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH CH2, ठीक है, दो डबल बॉन्ड, फिर उसके बाद यहां पे फिर से है ना, तो यहां पे हम देख सकते हैं बॉन्ड पूरा हो गया ना, हाँ ठीक है। तो यहां पे अगर हमारे पास डबल बॉन्डों की संख्या और बढ़ा दी जाए, डबल बॉन्डों की संख्या और बढ़ा दी जाए, तो आप देख सकते हो क्या होगा, ऊर्जा का अंतर और भी कम हो जाएगा। अब इसमें चार की जगह कितने ऑर्बिटल्स बनेंगे, छह ऑर्बिटल बनेंगे। तो आपको तो एक बात याद रख लो कि अगर आपके पास पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रही है, पाई बंधों की संख्या बढ़ रही है, तो जो ऊर्जा है, ऊर्जा का अंतर, कक्षकों के बीच ऊर्जा का अंतर क्या होता है, कम हो जाता है, ठीक है, और जो तरंग दैर्ध्य है वो उच्च हो जाएगी, ठीक है। यानी कि तरंग दैर्ध्य तो में तो वृद्धि होगी, उच्च हो जाएगी, और जो ऊर्जा है, ऊर्जा का अंतर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कोई अगर आपसे पूछ ले कि संयुग्मन का क्या प्रभाव पड़ता है परमाणुओं पे, तो आपको क्या बताना है, संयुग्मन के कारण, हाइपर कॉन्जुगेशन के कारण ऊर्जा, कक्षकों की ऊर्जा में अंतर जो है वो कम हो जाता है, और जो तरंग दैर्ध्य है वो बहुत ज्यादा उच्च हो जाता है। आपको ये सिंपल सी बात याद रखनी है, इसके अलावा आपको और कुछ याद नहीं रखना है, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी का हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।